हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने एक बाउल में डाल दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये गरम मसाला है घर का बना हुआ, इसे मैं खुद बनाती हूँ। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा MDH का मीट मसाला, मीट मसाला। सुनकर के आप सोच रहे होंगे ये चिकन है और इसमें मीट मसाला डाल रहे, तो मीट मसाला ऐसा कुछ नहीं है कि मीट में ही डलेगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैंने ऐड किया इसमें चिकन मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। आप देख सकते हैं बड़े वाले स्पून से मैंने 1 स्पून दही ऐड किया है इसमें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छे से मिल जाए, सारे एक एक पीसेस में मसाले लग जाएं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मेरा घर का बनाया हुआ है। मैं इसे खुद घर पे बनाती हूँ, बाहर वाला थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर वाला काफ़ी फ्रेश होता है, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, बाहर का भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी, इससे तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, आपको भी पता है, इसके बिना तो कोई खाना अधूरा है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है, इसमें लग गए हैं सारे पीसेस में। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए ढक करके रख दे रही हूँ। 1 घंटे हो गए हैं, तो अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को मैं डाल दूंगी। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ऐसे पकाती रहूंगी। बीच बीच में आप चलाते भी रहिए, जिससे ये लगे ना। चिकन बहुत जल्दी पकता है, तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। इसे आप ढक करके पकाइए। आप देख सकते हैं कि इसका मसाला धीरे धीरे पक रहा है, इसमें मिल रहा है। जब इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए और तेल छोड़ दे साइड साइड से, तो ये समझ लीजिएगा कि ये बन गया है, रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और तेल भी छोड़ दिया है, मसाले पक गए हैं। तो चिकन टिक्का मेरा रेडी है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।